हेलो एवरीवन प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन देखा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है एंड उसको स्टार्ट सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड पार्ट अगर हम इसका देखें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ठीक है तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम यहाँ पर डील करने वाले हैं तो जैसे हर एक रोटेटिंग मशीन्स या इलेक्ट्रिकल मशीन की हम बात करें तो जनरल अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो पार्ट होता है ठीक है ब्रॉडली अगर कैटेगराइज कर, 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 कर करें तो स्टेटर एंड रोटर में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है इधर वो डेसी मोटर हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो आ, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो सिंक्रोनस मोटर हो या किसी भी टाइप का मोटर या जनरेटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मेनली पार्ट uh, होता है वो हम स्टेटर एंड रोटर के टर्म में क्लासीफाई करते हैं एंड इसके बाद फिर हम स्टेटर में देखेंगे तो स्टेटर वाइंडिंग्स होता है स्टेटर स्लॉट्स होता है ठीक है एंड आपका योग पार्ट होगा फ्रेम होगा एंड रोटर में आपका uh, जो रोटेटिंग पार्ट होगा रोटर ठीक है उसके ऊपर वाइंडिंग होगा स्लॉट्स होगा तो इस तरीके से हम लोग स्लिप रिंग्स वगैरह ब्रशेज वगैरह हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं तो मेनली हम आ, दो पार्ट में कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं दैट इज़ स्टेटर एंड रोटर तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में भी हम स्टेटर एंड रोटर के टर्म में देखेंगे तो जैसे हमारे पास डीसी uh, मोटर का हमने स्टडी किया था तो डीसी मोटर के पास भी दो पार्ट होता है एक रोटेटिंग पार्ट जिसको हम लोग रोटर कहते हैं यानी कि स्टेशनरी पार्ट जिसे हम स्टेटर कहते हैं तो उसी की जैसे हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर एंड रोटर दो पार्ट होगा स्टेटर जो होता है इट हैज़ लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शन मेड अप ऑफ स्टैम्पिंग्स ठीक है तो स्टैटर में आपका uh, जो आप फ्रेम देखेंगे एंड फ्रेम के अंदर फिर आपका स्लॉट्स बना होता है एंड स्लॉट्स में फिर आपका स्टैटर वाइंडिंग जिसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं तो इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर पार्ट में जो वाइंडिंग किया जाता है वो आपका फील्ड वाइंडिंग होता है एंड उसी स्टैटर के फील्ड वाइंडिंग्स में हम लोग डायरेक्टली सिंगल फेज ए सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये जो आपका स्टार्टर पार्ट होता है ये इस स्टैटर पार्ट का को अगर हम देखें तो ये भी आपका मेटालिक मटेरियल uh, का होता है ठीक है स्टेटर आपका मेटल पार्ट का होता है एंड इसके ऊपर जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग के वाइंडिंग में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है एंड उस करंट की वजह से करेंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेटर पार्ट जो कि मेटालिक पार्ट है इसको भी मैग्नेटाइज कर लेता है एंड कुछ इफेक्ट की वजह से आ, आपके स्टैटर पार्ट या फ्रेम में भी या योक जिसे हम कहते हैं तो उसमें भी आपका करंट फ्लो होना शुरू कर देता है ठीक है यानी कि जो नॉन करेंट कैरिंग पार्ट होता है या मेटल पार्ट होता है ठीक है मशीन्स का तो उसमें भी करेंट फ्लो होने के चांसेस अगर हो जाता है एंड कुछ बहुत स्मॉल करेंट वहाँ फ्लो होने लगता है जिसे हम एडी करेंट कहते हैं ठीक है तो इसी एडी करेंट को रिड्यूस करने के लिए या उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए डिक्रीज करने के लिए स्टार्टर को लैमिनेट किया जाता है ठीक है तो स्टार्टर आपका लैमिनेट किया हुआ रहता है टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस ठीक है इसको रिड्यूस करने के लिए स्टैटर को लेमिनेटेड बनाया जाता है द स्टैम्पिंग्स आर स्लॉटेड ऑन इट्स पेरी टू कैरी द वाइंडिंग कॉय स्टैटर वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग अब इसी स्टैटर में ठीक है लेमिनेशन के बाद इसमें जो स्लॉट्स प्रजेंट होते हैं ठीक है इस स्लॉट्स में वाइंडिंग किया जाता है कॉयल लपेटा जाता है ठीक है जिसे हम स्टैटर वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग कहते हैं ठीक है एंड ये जो आपका स्टार्टर पार्ट पे जो वाइंडिंग किया जाता है मेन वाइंडिंग या फिर हम लोग ये आपका जनरली फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है ठीक है तो ये जो आपका मेन वाइंडिंग होता है ये फील्ड प्रोडक्शन का काम करता है इस वजह से इसे हम फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं ठीक है एंड दिस इज एक्साइटेड बाई सिंगल फेज ए सी सप्लाई एंड जो हम एसी सप्लाई हम मोटर को अप, आ, अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम इसी फील्ड वाइंडिंग में डायरेक्टली दो टर्मिनल्स के हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं द लेमिनेटेड कंस्ट्रक्शन की आयरन लॉसेज टू मिनिमम ठीक है अब जो आयरन लॉसेज है ठीक है तो आयरन लॉसेस दैट मीन्स कि आपका जो भी मेटालिक पार्ट्स होगा उनमें मैग्नेटाइजेशन अकर हो जाता है जिसके वजह से लॉसेस अकर होता है तो इन लॉसेस को भी रिड्यूस uh, करने के लिए लैमिनेटेड होता है ठीक है जिसे हम आयरन लॉस भी एडिकेन लॉस के टर्म में हम लोग उसको कहते हैं तो आयरन लॉस में आपका और एक पार्ट होता है दैट इज हिस्टेरिस लॉस ठीक है तो हिस्टेरिस लॉस आपका uh, किसी मटेरियल किसी डिवाइस में या हमारे मशीन्स में स्टेटिस लॉस मैग्नेटाइजेशन इफ़ेक्ट की वजह से आता है ठीक है तो स्टेटिस लूप अगर आप लोग मशीन में पड़े हो ठीक है ये मैग्नेटाइजेशन पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता है फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप बनता है ये पहले मैग्नेटाइजेशन कर इंक्रीज होता है फिर ये डिक्रीज़ होकर वापस से इंक्रीज होता है तो इस तरीके का मैग्नेटाइजेशन लूप या हिस्टेरेसिस लूप जो बनता है जिसके वजह से लॉसेस अकर होता है ठीक है मैग्नेटाइजेशन डी मैगनेटाइजेशन होता रहता है तो इस वजह से यहाँ पर जो लॉस अकर होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टेरिस लॉस तो इस हिस्टेरिस लॉस को इस मशीन में रिड्यूस करने के लिए जो स्टैंपिंग्स होता है या फिर जो स्लॉट्स आपके स्टैंपिंग में जो स्लॉट्स बना हुआ है स्टार्टअप पार्ट में तो यहाँ ये मटेरियल आपका सिलिकॉन स्टील का यूज़ होता है ठीक है तो सिलिकॉन स्टील के होने की वजह से हिस्टेरिस लॉस या मैग्नेटाइजेशन या डी इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाता है हिस्टेरिस लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है स्टेटर माइनिंग इज बाउंड फॉर सर्टन डेफिनेट नंबर ऑफ पोल मीन्स when excited by single phase AC supply, stator produces the magnetic field which creates the effect of certain definite number of poles. तो so stator winding में uh, certain number of uh, coil को wound किया जाता है, ठीक है? Windings बनाया जाता है and जिसके वजह से आपका definite number of poles, जैसे आप winding में AC supply apply करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर definite number of poles create हो जाता है, ठीक है? तो पोल क्रिएट होने की वजह से आपका जो रोटर पार्ट होगा ठीक है तो उसके स्टेटर पार्ट में आपका पोल क्रिएट होगा सपोज दो पोल अगर क्रिएट होता है एस एन एन ठीक है तो इसी के आ, जैसा आपका रोटर पार्ट में भी पोल क्रिएट हो जाएगा द नंबर ऑफ पोल्स फॉर विच स्टेटर वाइंडिंग इज वॉन्ट डिसाइड दिन स्पीड ऑफ द मोटर ठीक है अब जो नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट होता है सप्लाई देने के बाद तो इसी नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ़ पोल डिसाइड करता है कि आपका जो मोटर है या इंडक्शन मोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा अगर हम देखें सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स के बीच का रिलेशन तो इट इज़ गिवन बाय एन एस एस यू टू वन ट्वेंटी एफ बाई पी ठीक है जहाँ पर एस जो है ये आपका सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर है एफ ऑफ फ्रीकवेंसी के लिए लिखते हैं एंड पी इज नंबर ऑफ पोल ठीक है तो नंबर ऑफ़ पोल में हमारे पास जितना ज़्यादा uh, होगा हमारे मशीन में जितना ज़्यादा क्रिएट होगा तो सिंक्रोनाइज स्पीड उसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस होता हुआ जाएगा तो ये था हमारा स्टार्टर का पार्ट कि इसमें हमारे पास स्टेटर वाइनिंग होता है ठीक है स्टार्टर पार्ट होता है स्लॉट्स बना होता है इस उसमें हम स्टर वाइनिंग करते हैं एडी इंड एंड लॉस के लिए हम लोग किस तरीके से इसका यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए सेकेंड पार्ट इज रोटर का पार्ट ठीक है तो रोटर में जनरली सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में आपके पास जो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है ये स्क्विरल केज टाइप का होता है तो स्क्विरल केज अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का होता है ठीक है तो ये आपका केज बार की तरह दिख रहा है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत नंबर ऑफ बार्स प्रेजेंट होता है ठीक है एंड इन बार्स को बार्स का जो एंड होता है वो इस तरीके से रिंग के हेल्प से शॉर्ट कर दिया जाता है ठीक है सारे का सारा यहाँ पर जो बार है या फिर जो स्लॉट है ये आपका एंड पे एंड रिंग्स हम लोग कहते हैं तो एंड रिंग्स के हेल्प से ये शॉर्टेड होता है ठीक है एंड इसके अंदर आपका ये रोटर प्लेस्ड होता है ठीक है इसी वजह से इसे स्क्वेरल केज टाइप रोटर कहा जाता है इसका हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं सर्किट के लिए तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी जनरली अगर हम देखें तो जो रोटर का टाइप होता है ये हमारे पास जनरली स्क्वीर केज टाइप का होता है इन दिस टाइप रोटर कंजिस्ट ऑफ एन अन इंसुलेटेड कॉपर और एलोमिनियम बार्स प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ठीक है तो जो रोटर का रोटर uh, हमने देखा तो रोटर में रोटर के पेरी में स्लॉट्स बने होते हैं ठीक है एंड इन्हीं स्लॉट्स के ऊपर वाइंडिंग uh, किया जाता है जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर uh, ई एम एफ इंड्यूस कराया जाता है ठीक है क्योंकि ये हमारा इंडक्शन मोटर है तो यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस की वजह से करेंट का फ्लो होगा लोड में ठीक है तो ये जो हमारे पास रोटर होता है इस इंडक्शन टाइप इंडक्शन मोटर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इसके परी पे ठीक है रोटर के परी पे स्लॉट्स बना होता है एंड स्लॉट्स पे हम वाइंडिंग करते हैं इससे जिससे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं एंड uh, ये जो आपका बार हमने देखा तो ये बार हमारे पास अन इंसुलेटेड कॉपर का या फिर एलुमिनियम बार्स होता है द बार्स आर परमानेंटली शॉर्टेड एट बोथ एंड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग रिंग एंड रिंग्स ठीक है तो जिन रिंग के हेल्प से हमने uh, सारे बार्स को एंड पे हमने शॉर्ट किया था तो ये हमारे पास कंडक्टिंग टाइप का होता है द इंटायर स्ट्रक्चर लुक लाइक केच एंड हेंस कॉल्ड स्क्विरल केज रोटर तो ये केज के टाइप का इसका अपेयरेंस होता है इस वजह से ये स्क्वीरल केज रोटर कहलाता है एज द बार्स आर परमानेंटली शॉर्टेड टू ईच अदर द रेजिटेंस ऑफ द एंटायर रोटर इज़ वेरी स्मॉल तो रोटर का अगर हम रेजिस्टेंस uh, या रिएक्टेंस की बात करें तो ये शॉर्ट की वजह से शॉर्ट होने की वजह से बहुत ही रिड्यूस हो जाता है एंड ऑल्सो एयर गैप जो होता है स्टेटर एंड रोटर के बीच इसको यूनिफॉर्म रखा जाता है ताकि uh, जितना ज़्यादा यूनिफॉर्म एयर गैप होगा तो uh, जो रिएक्टेंस है रिएक्टेंस का वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा ठीक है रिएक्टेंस कम होगा एंड फील्ड का जो यहाँ पर लिंकिंग होगा ठीक है स्टेटर से रोटर में एंड फिर इंडक्शन प्रोसेस में ये कंट्रीब्यूट करता है तो इस वजह से एयर गैप को यूनिफॉर्म एंड स्मॉल रखा जाता है जितना पॉसिबल हो सके द मेन फीचर ऑफ दिस रोटर इज़ दैट ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ठीक है तो अगर हम कंप्लीट मोटर मोटर की बात करें स्टेटर एंड रोटर दोनों को इंक्लूड करते हुए तो स्टेटर वाइंडिंग का ज़्यादा यहाँ पर रोल होता है क्योंकि स्टाटर वाइंडिंग अगेन ये जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है ये ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है इंडक्शन प्रोसेस पे तो स्टेटर वाइंडिंग में हम सिंगल फेज सप्लाई दे ठीक है जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आपके आ, रोटर को लिंक करता है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका इंडक्शन मोटर काम करता है तो ये था हमारा स्टार्टर एंड रोटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसका कंस्ट्रक्शन हम कुछ इस तरीके का होता है नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर uh, एक्शन की तरह होगा ठीक है नाम जैसे है कि इंडक्शन मोटर तो यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस होगा एंड इंडक्शन प्रोसेस हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में जस्ट लाइक दैट हमारे पास इंडक्शन मोटर में प्राइमरी की तरह हमारे पास स्टट्टर वाइंडिंग होगा एंड सेकेंडरी की तरह हमारे पास रोटर वाइंडिंग होगा ठीक है स्टटर वाइंडिंग में हम फील्ड वाइंडिंग देते हैं एंड रोटर वाइंडिंग हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं ठीक है स्क्वीरल केस टाइप रोटर होता है जिसका सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके का करते हैं एंड हमारे पास इस तरीके का ठीक है ये स्टार्टर पार्ट हो गया एंड दिस इज रोटर पार्ट तो इसको हम सप्लाई देते हैं सिंगल फेज ए सी सप्लाई देंगे ठीक है तो जैसे ही हम सिंगल फेज ए सी सप्लाई रोटर को देते हैं तो रोटर में हमारा फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है ठीक है तो फील्ड वाइंडिंग में करेंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जैसे ही हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया आपका करंट फ्लो होना शुरू हो गया किस में फील्ड वाइंडिंग में अब जैसे ही करंट फील्ड वाइंडिंग में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो करंट की वजह से uh, यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ठीक है जब हमारे पास किसी uh, कर कंडक्टिंग मटेरियल में करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ठीक है तो यहाँ पर ये यह करेंट की वजह से यहाँ पर फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा अब जैसे ही इस वाइंडिंग के वाइंडिंग में फ्लक्स का प्रोडक्शन हो गया ठीक है एंड जैसे जैसे करेंट uh, का वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा फ्लक्स का वैल्यू भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा ठीक है एंड जैसे जैसे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ठीक है ये रोटर तक को ये लिंक करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये रोटर को लिंक करना शुरू कर दिया है ठीक है तो जो फील्ड uh, वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था इसका लिंकिंग अभी ये रोटर में करना शुरू कर दिया है ठीक है तो रोटर में जैसे ही फ्लक्स का लिंकिंग uh, होगा तो रोटर भी हमारा कैसा है कंडक्टिंग पार्ट है ठीक है तो रोटर में जैसे ही फ्लक्स uh, का लिंकिंग होगा तो यहाँ पर ई ठीक है ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है हमारे पास तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जैसे ही इसको लिंक करेगा रोटर पार्ट को तो यहाँ पर ई एम इंड्यूस हो जाएगा ठीक है फिराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से तो जैसे ही हमारे पास फ्लक्स आया ठीक है फ्लक्स लिंक कर रहा है फ़्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग uh, नेचर का होगा ठीक है क्योंकि हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया है एंड जैसे ही फ्लक्स uh, का यहाँ पर वेरिएशन uh, होगा तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो फ्लक्स uh, के चेंज होने की वजह से ईएमएफ का यहाँ पर इंडक्शन होता है तो रोटर में क्या हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ठीक है तो हमारे रोटर में ई एम एफ इंड्यूज़ हो गया एंड जैसे ही ई एम एफ इंड्यूज़ होगा यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा एंड इलेक्ट्रो फोर्स जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो ये रोटर पे क्या करेगा फोर्स एग्जर्ट करेगा ठीक है एंड रोटर पे फोर्स एग्जर्ट करेगा तो हमारा जो रोटर है या इंडक्शन मोटर का जो रोटर है ये रोटेट करना पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा ठीक है तो इस तरीके का हमारे पास आ, आ, जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी वर्क करता है एंड जैसे हमने इनिशियली देखा था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो यहाँ पर आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी भी इंक्लूड होगा ठीक है तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा ठीक है मैक्सिमम फ्लस का को आप रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में एंड दोनों कंपोनेंट आपका इक्वल एंड ऑपोजिट हो मेन मैग्नीट्यूड होगा जिसकी वजह से आपका जो रोटर होगा वो रोटेट नहीं करेगा बट जब हम यहाँ पर प्राइमरी या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जब हम यूज़ करेंगे सॉरी ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग जब हम यूज़ करेंगे तो ये रोटर सेल्फ स्टार्टिंग बन जाएगा एंड उसके बाद फिर आपका फेरा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज़ करके यहाँ पर रोटर में फोर्स एग्जाट होगा एंड रोटर आपका रोटेट करना शुरू हो जाएगा ठीक तो uh, है तो ये सिंपल बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टू टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक uh, देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एंड कुछ फ्यू एप्लीकेशंस हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे ओके थैंक यू एवरीवन